मैं इनको समर्थन किए हैं जी। हम 15 साल मुखिया रहे हैं 2001 से, हमको कोई चुनाव नहीं हराया। अच्छा। आरक्षण हो गया, 15 साल मुखिया रहे, 15 साल आपको जनता क्या यही कहेंगे कि हम मुखिया पद से जो खड़ा हुए हैं तो भारी बहुमत से हमको सहयोग करें, और जनता से, हमारी जनता से यही अनुरोध है कि बहुआरा कादिर ग्राम पंचायत जो है उससे हमारा पूरा सहयोग है, और सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं। विकास के मुद्दा पर हम लोग उतरे हैं, इंदिरा आवास वगैरह में हम लोग भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोक करेंगे। अच्छा, क्या क्या कमियां रह देखे हुए हैं कि कहीं शौचालय नहीं है तो कहीं रोड नहीं है, इसको इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान मुखिया के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? हम क्या पूरे जनता संतुष्ट नहीं है। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? जीतने के बाद से पहला हमारा काम होगा राशन कार्ड बनवाना और वृद्धा पेंशन पीएम आवास बनवाना, आपके साथ उसके बाद रोड है, नली है, गली है, और सोलर लाइट जो लगता है हर पुल पे लगवाएंगे। आपके साथ इतना समर्थक दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे कलगढ़ दक्षिण पंचायत के सम्मानित जानता है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है और विनती है कि वो सब लोग हमारे साथ आए हैं, यहाँ तक लेके आए हैं प्रखंड तक नॉमिनेशन। उसके बाद पंचायत की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? अच्छा, पंचायत से जनता से निवेदन ये है कि सभी हमारे साथ हैं, एक साथ रहेंगे और हमको वोट दे के जिताएंगे। हमारे पंचायत की जनता मालिक है, हम उनका सेवक है। परिचय दे दीजिए। जी, मैं मिथुन राम जी, मुखिया प्रत्याशी कलगढ़ दसवीं पंचायत। चलिए, क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं इनको समर्थन किए हैं जी। हम 15 साल मुखिया रहे हैं 2001 से, हमको कोई चुनाव नहीं हराया। अच्छा। आरक्षण हो गया, 15 साल मुखिया रहे, 15 साल आपको जनता प्यार दी, प्यार क्या दिया, उम्मीद है साल इनको भी वही प्यार मिलेगा? 10 साल मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे, 30 पंचायत एसी बढ़ा दिया के। उम्मीद है आपके कामों को वो खड़े उतर पाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है, हम उसी आदमी को चुनते हैं जो मेरे चरित्र से चरित्र मिलता है, इसलिए मैंने पंचायत में इनको देखा कि ये बहुत अच्छा लड़का है और इनमें चरित्र में कोई दाग नहीं है, इसलिए मैंने इनका समर्थन किया। और सारे पंचायत के, कलगढ़ दक्षिणी पंचायत के सारा जनता इनके पक्ष में है, एकदम एक तरफा वोट गिराने जा रहा है क्या पक्ष में, और ये भी खड़े उतरेंगे, मुझको पूर्ण विश्वास है। कहाँ से नॉमिनेशन किए हैं, किस पद के लिए किए हैं? हम नॉमिनेशन बहुआरा कादिर के लिए बरहरिया प्रखंड से किए हैं, मुखिया के प्रत्याशी हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास करने की कोशिश है, और विकास जनता का विकास दिखाएंगे, अगर जनता का सहयोग मिला तो हम विकास दिखाएंगे। वर्तमान मुखिया के कार्यों से कितना संतुष्ट है? वर्तमान मुखिया तो वो पब्लिक ही बताएगी, हम तो नहीं बताएंगे, पब्लिक जानती है, हमको कहने से पब्लिक नहीं सुनेगी, सारा हमारा पंचायत का हाल पब्लिक जानती है, और हम दूसरे के बारे में तो नहीं जानते, अगर जनता जानती है हमारे बारे में तो खुद हमको सहयोग करती है। अच्छा, ये बता दीजिए, जीतेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने पंचायत में? जीतेंगे तो अब समय शिक्षा विकास जो है उसी पर ध्यान है, लेकिन हमारे प्रखंड में जो भी हमारे पंचायत से मिलेगा उसके प्रति हम कुछ विकास करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुखिया हैं जो कि नॉमिनेशन कराने आते हैं साइकिल पर, दूसरका पर आते हैं स्कॉर्पियो पर, आपसे क्या अपेक्षा किया जाए? अब देखिए, दूसरे मुखिया का तो हम नहीं बोलेंगे, हमारे प्रति जितना भी होगा हम चाहेंगे कि हमारे जनता को हमारे से संतुष्ट हो, हमारे नेतृत्व में चाहे जो भी काम होगा सही हो। आपके क्षेत्र से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लोग आपको वोट क्यों दें, क्या खासियत है आप में? हमारे असल बात है कि जनता समर्थक जो है ना, हमारे बीते हुए काल में हमको जानती है कि हम का बगैर मुखिया पद से रहते हुए का हम किए हैं, उस अभियान से पूरी जनता हमको जानती है कि ये कैसे होंगे आगे, विकास का मुद्दा कुछ वो समझ रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे पंचायत के लोगों से? यही कहेंगे कि हम मुखिया पद से जो खड़ा हुए हैं तो भारी बहुमत से हमको सहयोग करें, और जनता से, हमारी जनता से यही अनुरोध है कि बहुआरा कादिर ग्राम पंचायत जो है उससे हमारा पूरा सहयोग है, और सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि
हम कुछ करके दिखाएं। अपना और प्रत्याशी का परिचय दे दीजिए। ज्ञानती देवी भाभी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत बहुआरा कादिर से। हम पति सुरेंद्र शर्मा। आप क्या अपील करना चाहेंगे पंचायत के लोगों से? मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ कि मतलब गांव में जो विकास के लिए जो काम बाकी है उसको पूरा करेंगे। हाँ, आज जो आदमी हमको मतलब चाहेगा उसके आगे मैं खड़ा रहूँ। ठीक है। मुखिया प्रत्याशी के लिए किए हैं हरिहरपुर पंचायत। अच्छा, क्या क्या किन मुद्दों के साथ आज इस बार फिर उतरे हुए हैं आप? अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत के लोगों को? विकास के मुद्दा पर हम लोग उतरे हैं। इंदिरा आवास वगैरह में हम लोग भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोक करेंगे। अच्छा, क्या क्या कमियां रह गई ये तो बता दीजिए। कमियां नाला वाला ये सब का कमी है, रोड का कमी है, कहीं कहीं स्कूल का कमी है, यही सब कमी है। ऐसे बहुत सारे मुखिया देखा जाता है कि शुरुआत में तो साइकिल से आते हैं नॉमिनेशन के, 5 साल बाद स्कॉर्पियो से घूमने लगते हैं। आपसे लोग क्या अपेक्षा करें? देखिए क्या करते हैं हम। और सब लोगों का कितना समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है आपको? पूरा पंचायत का समर्थन मिल रहा है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 75% हो गया। चलिए ठीक है, तो परिचय दे दीजिए पंचायत के साथ। हरिपुर लालगढ़। अपना नाम? छोटे लाल यादव। शिक्षा पे जोरदार काम करेंगे। शिक्षा पे बालापुर पंचायत बहुत पीछे है रोशन तारा। वर्तमान मुखिया के कार्यों से कितना संतुष्ट है? रोशन तारा नहीं है, किसी का शिकायत नहीं है। रोशन तारा तो नहीं है। न्यूज वाले हैं, आप लोग से क्या छिपा है? सर्वे करते हैं। बहुत ऐसे मुखिया प्रत्याशी होते हैं जीतने के बाद अपना विकास करते हैं, गांव का नहीं करते। आपसे क्या अपेक्षा करें लोग? वही वही जाके बालापुर में देख लीजिए कौन किसका विकास किया है। अपना विकास हुआ है कि पंचायत का विकास हुआ है? आप लोग जाइएगा तो कुछ पता चलेगा। अभी तक जब तक मुखिया है तब तक छत का होता है ढलाई नहीं रुका है। अच्छा, सोचिए तो देख लीजिएगा जाके एक बार बालापुर पंचायत। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? पीछे से आगे जाइए तो पंचायत वासी, पीछे से आप लोग हटिए, पीछे से आप लोग हटिए, आगे जाइए। मेरे भाई चुनाव मैदान में है, हम लोग मैंने 100% आप लोग के साथ रहेंगे। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। परिचय दे दीजिए अपना। पंचायत का नंबर? मेरा नाम मुकेश कुमार, बालापुर पंचायत। मेरी मम्मी का नाम देवांती देवी है, मेरा मुन्ना यादव, मेरे भैया का नाम है। लिए किए हैं औराई से। पद कौन सा है मुखिया का? मुद्दा क्या है इस बार का? मुद्दा इस समय है कि जनता को भ्रष्टाचारी। अच्छा, वर्तमान मुखिया कार्यों से कितना संतुष्ट है? जनता नकार रही है। कितना संतुष्ट आप? कितना संतुष्ट है? अच्छा बता दीजिए, जितने सबसे पहला काम क्या होगा पंचायत में? जनता का सेवा होगा। जनता का सेवा होगा। अपील क्या करना चाहेंगे पंचायत के लोगों को? जो भी पंचायत का जनता का दुख होगा उसको आप बता दीजिए कि मुखिया जी जीतेंगे तो क्या अपेक्षा है आपकी? विकास होगा जी, पूर्ण रूप से विकास हम लोग करेंगे। मुखिया पद के लिए, मुखिया पद के लिए अधिकारी पद पहले भी मतलब मुखिया रहा कि पहले ना? अभी पहली बार हम। किस पंचायत से? अधिकारी पंचायत से। किन मुद्दों के साथ आप पंचायत चुनाव में उतरे जी? किस पद के लिए कराए हैं जी? हम लकड़ी खुद से मुखिया प्रत्याशी के लिए नामांकन कराया हूँ। मुद्दा क्या है इस बार का? इस बार का मुद्दा यही है कि जो गांवों में पंचायतों में विकास नहीं हो पा रहा है तो मेन मुद्दा वही है। चलिए जितने भी मुख्य नहीं, मैं पहला बार जी। जन समर्थन आपके साथ है? बिल्कुल। जो भी मुखिया आता है विकास के लिए आता है लेकिन खुद का विकास कर लेता है, पंचायत का नहीं करता है, लोग आपसे क्या अपेक्षा करें? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं इसे पहले ये बोल चुका हूँ कि जो भी मुखिया आए हैं वो पूरा वादा अपना किए हैं कि अब की बार मुझे समर्थन कर दीजिए, अब की बार मुझसे गलती नहीं होगा, अब की बार भरपूर विकास पंचायत में होगा। जनता उसके बहकाव में आ जाती है, फिर दोबारा जब उनको सत्ता में लाती है तो लगता है कि उससे भी बदतर वो काम करके निकल गए, चूंकि वो समझ गए कि इसके बाद हमको
जीत के सत्ता में नहीं आना पड़ेगा जी। जीत के प्रति क्या काम करेंगे? पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, पूर्व रह चुके हैं, सरपंच हैं, क्या वर्तमान भी हैं, क्या क्या काम किया अभी नहीं है, उससे पहले थे, कौन से काम क्या किए हैं, कौन से काम किए इस बार पंचायत निष्पक्ष किया है, सबको पक्ष किया है, विकास का काम तो हमारे साथ नहीं है, अब लेकिन होने वाला है होगा वार्ड और मैं निष्पक्ष करूँ। आपके पंचायत में कितने गाँव कितने वार्ड है? पंचायत में 13 वार्ड है, 6 गाँव है, 6 गाँव तो सभी गाँव भ्रमण किया है, घुमा घूमने के बाद किस किस मुद्दे पे आपने विचार किया कि इस मुद्दे के बाद हम काम करेंगे नाला प्रणाली पे? भले आपका नहीं फोन था लेकिन इस बार फोन आने वाला है। हाँ, हमारे फोन में नाला पशुपालन का कार्य आने वाला है, तो इस बार जितने के प्रति कितने आश्वस्त है? 100% अपने जनता को क्या उम्मीद करते हैं? एकदम 100% हमारे साथ जनता। अपने पंचायत के जनता से क्या अपील करिएगा? क्या कहिएगा जनता से, अपील क्या होगा आपका? जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं? जनता से क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना साथ में आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ना है मेरा नाम है। किस पद पर चुनाव लड़ी है? बीडीसी से। बीडीसी जीत के आने पर किस तरह से काम करिए पंचायत में? पंचायत में सारे सुविधाओं का हम ख्याल रखेंगे, जो भी सड़क वगैरह हुआ या फिर और विकास भी हमारा विकास मुद्दा, होगा। मुद्दा है विकास के। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज हमने सुन चुका है सर? सारे जनता से हम आशीर्वाद मांगेंगे और जीत कराएंगे तो विकास के मुद्दे पर काम करेंगे। किस पंचायत का क्या होगा यदि जीत आपको मिलती है? पहले जीत इसलिए होगा कि हमारे गरीब भाई बहुत परेशान हैं, उनके लिए हम मदद कर सकें और गवर्नमेंट के दौरान रहते हुए उनका जो है कि हक पहुँचा सकें। क्या लग रहा है कि अब की बार के चुनाव में जीत इंशाल्लाह जरूर है हमारा, और सब जो है कि आदमी हमारे साथ है और कभी भी रहेगा, जितना जनता है सब हमारे साथ कभी भी है और रहेगा। चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहिए, क्या अपील करेंगे उनसे? हम यही अपील करेंगे कि हमारे जनता हमारे साथ में अभी भी है और जो नहीं है वो भी हमारे साथ है, हम सब मिल के विकास करें। ऑन कर लो। आप किस पंचायत से किस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं सर? हम जो है माधोपुर पंचायत से सरपंच प्रत्याशी हैं, हम मीरा छपरा कराने वाले हैं। हमारे मुद्दों के साथ आप अबकी बार के चुनाव में उतर रहे हैं जी। मुद्दा क्या है आपका, मतलब अगला कदम क्या है, मुद्दा क्या है? पब्लिक का विकास का काम करेंगे, पब्लिक का काम करेंगे, जो होगा बढ़िया से मेहनत करेंगे, समझ गए? उसमें कोई सोचना नहीं है, बढ़िया तरीका से काम करेंगे जी। क्या अपने जीत को लेकर आप आश्वस्त है, जनता आपको समर्थन? पूरी जनता हमारे साथ है, तब न हम खड़े हुए हैं। लड़ाई मुद्दा बा के विकास के जो अथी पंचायत में ना भूलो तो कल जाइए। आपके पंचायत में कितना वार्ड है? हाँ, वहाँ है 13 वार्ड है जी। जी हाँ, क्या लग रहा है नेशनल में भारी जन समर्थन दिख रहा है? हाँ, 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 जो आप लड़ रहे हैं जी, 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 हाँ। जीत निश्चित है, ऊपर वाला है।